हेलो हाय, दिस इज मी आरजे कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज या फिर मेरे फेसबुक पेज पर। फिलहाल जैसे कि बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें अभी चल रही है चाइना और इंडिया को लेकर, चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा ओपिनियन तो यही है कि डेफिनेटली हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए। बट अनदर थिंग इज कि अगर हमारे पास कुछ चाइनीज प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो हम उनका क्या करें? टंटना। सो भाई, उनका हमें क्या करना है? जिस चीज में ऑलरेडी हमने पैसा लगा रखा है, ऑलरेडी इन्वेस्ट हमने कर रखा है, तो उस चीज को हम यूं ही तो फेंक नहीं सकते। सो बेटर थिंग इज कि हम उस चीज को यूज करें, बट हम उसके लिए ओथ ले लें। लेट्स टेक वन ओथ कि हम जो है नेक्स्ट टाइम अगर सेम प्रोडक्ट खरीदना होगा तो हम चाइनीज के लिए नहीं जाएंगे, चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ये एक चीज हो सकती है। तो अभी हमने चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में बात की, लेकिन अभी हम बात करेंगे चाइनीज ऐप के बारे में। जी हाँ, और चाइनीज ऐप के अंदर अभी टिकटॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है हमेशा ही, लेकिन अभी हाल ही में ये भी खबरें आ रही है कि टिकटॉक को जो है वो बैन कर दिया जाएगा भारत से। बट आई डोंट नो ये कब होगा, बहुत सारी बातें ऑलरेडी पहले भी आ चुकी थी। लेकिन चाइनीज ऐप के सब्सिट्यूट्स में बहुत सारे इंडियन ऐप भी हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और डेवलप हो भी रहे हैं। सो वी कैन सी कि जो टिकटॉक ऐप है उसके सब्सिट्यूट में एक मित्रों करके आया है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो सिमिलरली ही हैं उसके। सो हम वो डाउनलोड करके अपना पैशन या फिर अपनी जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर, या चाहते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो वो आप वहां पर आके कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि चाइना जो है वो मेरे ख्याल से बड़ा क्लेवर है, बड़ा चालाक है, बिकॉज चाइना अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है, वेदर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, वेदर इन मशीनरीज और वेदर इन एनीथिंग एवरीथिंग। सो चाइना अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बनाता जा रहा है, और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाकर फाइनेंशियली वो बाकी जो देश है उनको नीचे कर देगा, और एक दिन वो यहाँ चला जाएगा और हम यहाँ रह जाएंगे। सो बेटर इज कि स्वदेशी अपनाओ, और दूसरी एक बात ये, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, बाय बाय कहो। अभी तक जो खरीद रखे हैं, इन्वेस्ट कर दिया है, उन्हें फेंकने से कुछ नहीं होगा, बट इट्स ओके, अब की बार इन्वेस्ट मत करना। अब की बार इन्वेस्ट मत करना। तो अभी ये ज्ञान वाली बातें सुन ली होगा, तो अभी अपना अपना काम करो। बाद में मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए, सुनते रहिए। मैं आपको मिल जाऊंगी फेसबुक पर भी आरजे कोमल के नाम से, और इंस्टाग्राम पे आरजे कोमल के नाम से हूँ ही। सो बाय।